सर हाई स्पीड करो, थोड़ा टॉपिक करेगा ना। भाई वो फोर्स से आना थोड़ा कट कृष्णा जी अरविंद धीरे धीरे कर रहा है धीरे धीरे ठीक है शॉकिंग है ये क्योंकि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑब्वियसली दिख रहा था कि वो दुखी है क्योंकि वो बहुत कोशिश करता है मुझे रोकने के लिए, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं घर छोड़ के जाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। बट उसने और भी ज़्यादा काम कर दिया मुझे रोकने के लिए कि वो कूद गया और मेरी ही टैक्सी के ऊपर गिरा, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत बुरा लगेगा ही। कहीं ना कहीं मेरे लिए राधे अच्छा लड़का है, लेकिन घर वालों से मैं तंग आ गई थी तो उसके लिए शायद मैं रुक जाऊँगी, मुझे बहुत ही बुरा लगा। एक्चुअली ये बात सिर्फ उसके पापा के अगेंस्ट जाने वाला चीज़ नहीं है, उस ये है कि सही क्या है गलत क्या है, उसको कभी किसी ने सही दिखाया ही नहीं था तो उसको लगता था घर में जो हो रहा है यही शायद होता होगा, बचपन से जो देखता है वही सीख रहा था वो। तो अभी जब कृष्णा का पॉइंट ऑफ व्यू वो देखने लगा है, कृष्णा को जब सपोर्ट करने लगा है, उसको देखने लगा कि हाँ मेरे पापा जो करते हैं वो गलत है, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं सच को या सही को सपोर्ट कर रहा है। तो हाँ इसके लिए उसके पापा के अगेंस्ट जाना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को ही पता है कि शुक्ला जी कितना गलत काम करते हैं। तो हाँ वो जा रहा है, अभी धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं उसमें। हाँ हो सकता है क्योंकि ऑब्वियसली शुरू में जो था वो तो काफ़ी चेंज हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे गया कि राधे बहुत अच्छा इंसान है और उसे घर वाले जैसे भी हो एटलीस्ट वो मेरे बात को सुनता है, कोशिश करते उस चीज़ को पूरा करने का या सुनने का। तो दिल से वो अच्छा है, थोड़ा दिमाग नहीं है बट दिल बहुत अच्छा है उसका, तो इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर जो भी मेरे मन में है अभी वो उसके उस वजह से है
कि वो अच्छा इंसान है, और प्यार अभी तक उस वाला प्यार तो आया नहीं है, तो शायद मैं जाती नहीं घर छोड़ के, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे शायद हो जाएगा। थैंक यू। ओके ओके ना ओके ओके बैठ जाइए बेटा। कैसे जान लेना आपके दोस्त? ओके ऑर्डर रोल रोलिंग एक्शन स्टार्ट। वो स्टे आ रहा है ना, वो स्टे नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा इधर लेफ्ट सर, सर आपके राइट 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 उधर से नहीं लगे आराम से कर लो, जैसा करो। रोलिंग सर, रोलिंग एक्शन कट। ओके होल्ड 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 कट कट पे। अच्छा बहुत अच्छा बढ़िया, आ जाओ पूरा वापस ऊपर आओ। वन मोर रुको मत, इस आइए मिला लेकर ऊपर एक्शन टर्न। ओके होल्ड होल्ड बात भूमि की वन साइड करो, उसके बाद एक्शन नॉट ओके फोकस है नहीं सर रोलिंग ठीक है। ओके ओके शीशे के थ्रू चाहिए इसका यही मोमेंट। ओके थोड़ा आगे राइट आगे राइट आगे राइट आगे राइट हाँ बस हाँ क्या गिरा माता जी करो एक्शन पोजीशन वो ले लो जो ओके ओके इसको देखना थोड़ा मैं आप अरे यार दोनों नहीं दोनों नॉर्मल करना है ना। एक्शन
एंड टेक बिल्ड अप वन टू देखिए वो घर छोड़ के जा रही हैं क्योंकि उस गलती उनकी भी नहीं है, वो घर छोड़ रही हैं, गलती कहीं ना कहीं हमारी फैमिली की है कि उनको घर छोड़ने की नौबत आ रही है। मैं तो प्यार करता हूँ उनसे, वो भी अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनको सेंस है क्या सही है क्या गलत है। अब मुझे इतनी नहीं थी, मतलब हमारी शुक्ला फैमिली में जो सब चीज़ें चलती थी हमें मतलब इतना नहीं पता है कि सही है या गलत है, जो है वो है, ठीक है, ओके, वी हैव टू अग्री लाइक विद एवरीथिंग यू नो जो भी घर पर हो रहा है। तो उन्होंने कुछ चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई, मगर घर वालों ने उन्हीं को ही कल्प्रिट साबित किया कि यार यू आर द मेन कल्प्रिट बिहाइंड एवरी सिनेरियो। तो वो इसलिए घर छोड़ के जा रही, पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार वो गलत नहीं है, वो सही हैं। तो इसलिए मैं उनको रोकने की कोशिश करता हूँ, वो नहीं रुकती हैं, काफ़ी कोशिश करता हूँ फिर नहीं रुकती हैं, फिर वो घर छोड़ के फाइनली चली जाती हैं, बैग वैग पैक करके टैक्सी में बैठती हैं। तो मुझे लगता है कि यार अब कैसे रोकूँ, मैं जाता हूँ छत से कूद जाता हूँ कि अब तो रुकना पड़ेगा, छत से कूदता हूँ मुझे लग जाती है तो फिर वो रुकती हैं, ऐसा कुछ सीन चल रहा है। नहीं, मैं पापा जी से देखिए आज भी डरता हूँ, मेरे से बड़े हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ सही के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ कि यार मतलब मैं पापा को ये नहीं बोला कि पापा देखिए आप गलत हैं, मतलब आप ऐसे आप वैसे, आप जो करना करो मैं तो ऐसे ही करूँगा। मैं बोला पापा आप समझने की कोशिश करो कि यार मतलब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसको हम ठीक करते हैं ना मिलके। तो अब देखो पापा भी शायद अंडरस्टैंड करें नहीं करें आई डोंट नो, बट मैं कोशिश करूँगा घर का माहौल सही करने की। और सबको मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं भी कुछ भी गलत होते हुए दिखता है तो प्लीज़ आप आवाज़ उठाइए, उसको रोकिए। थैंक यू सो मच। ऑफ स्क्रीन स्टंट करना वॉज वेरी नॉट मच डिफिकल्ट, बट बिकॉज ऑफ द हार्नेस इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। आई वॉज टेलिंग माई दिस स्टंट दादा, उनको मैं बोल रहा था कि सर मुझे हार्नेस थोड़ा सा ये रस्सी लूज कर दो, मुझे जंप लेने में ईजी होगा। मगर उनको भी अपनी प्रिकॉशन यूज़ करनी थी कि एक्टर को लगे ना, तो वो थोड़ा टाइट ही रख रहे थे, तो वो टाइट में मैं कम्फर्टेबल नहीं था जंप करने में, तो शायद हो सकता है कि उसकी वजह से थोड़ी मुश्किलें तो आई थी, मगर ठीक है लाइक एंड ऑफ द डे सीन हो गया कंप्लीट। वैसे देखा जाए तो काफ़ी प्रिकॉशंस भी लिया था गौरव ने। हाँ प्रिकॉशंस तो लिए थे क्योंकि वो तो ज़रूरी है ना, अभी प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो कैसे। पर प्रिकॉशंस के चक्कर में प्रिकॉशंस लेके भी आई गॉट इंजर्ड, लाइक दिस इज़ द थर्ड टाइम। अभी नीचे दरवाज़ा तोड़ने वाला सीन भी हुआ था जहाँ पे गजानन मतलब ललिया भाभी को पीट रहे हैं,
तो उसमें भी दरवाज़ा तोड़ रहा था मैं, तो मैं ये मेरा पूरा यहाँ पे कट गया है, पूरा 8-10 कट है यहाँ पे, वो दरवाजे की वो होता है ना जो भी प्ले होती है उसके अंदर आके वो लाइक आई गॉट इंजर्ड। सो अभी भी हर सीन में जितने भी मैंने एक्शन सीक्वेंस किए हैं मुझे इंजरी होती होती है, ये तो नॉर्मल है, मतलब हर एक्टर को होती है, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब ठीक है। थैंक यू सो मच। ये देखिए ऐसी रोप लगाई थी कि यहाँ पे भी लगी हुई थी, तो उसकी वजह से मैं बच गया हूँ गिरते गिरते, चोट तो लगी है पर इतनी ज़्यादा नहीं लगी, तो यही है सहारा। अरे भाई ओए तेरे को जब बोलेंगे तब आना वहीं वहीं का। चले गए ये लोग अमेरिका, उसको ही लेके जाने वाले हैं। कितने राइट वाला है कि अभी जहां से सब लोग आते नीचे आ जाओ लोग। अच्छा दो बंद हो तो आगे का ग्रेड तो करते आदमी सेंटर कर दो।
वन मोर अक्षय सरहद जी सर लाइन आपकी फिर से जा भाई जा बोल भाग सर बोलो निकालो भाई जा भाई जाऊं अंदर चले जाओ जूतों को मान लेते ले जा भाई अरे भाग रे जूतों पे जा रहे हैं अच्छा ले जा भाई महंगा वाला है ना।